सीमांचल में बाढ़ का एक दौर खत्म होने के बाद पूर्णिया जिला प्रशासन को बैसा और अमौर की याद आई है। कटान, भसान और धसान से परेशान लोगों का हाल जानने के लिए डीएम सुहर्ष भगत ने अब बैसा का दौरा किया है। अधिकारियों की टीम ने सिरसी पंचायत में हालात का जायजा लिया है। अपने दौरे के दौरान अधिकारियों ने मधवा टोली और हिजली पुराना टोला की भी स्थिति का जायजा लिया। इस इलाके में महानंदा नदी के कटाव से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों परिवार विस्थापित हो चुके हैं। मौजूदा सीजन में कई बार बाढ़ आने से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोग लंबे समय से राहत और बचाव की मांग कर रहे हैं। डीएम ने इस मौके पर विभागीय पदाधिकारियों को तुरंत फ्लड फाइटिंग काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, आइए सीधी बात करते हैं। आज के सर पंचायत का हम लोगों ने निरीक्षण किया, जो कटाव हुआ है जैसे कि यहाँ पे तीन चार पंचायत जो प्रभावित हुए इसको रास्ते को जो रास्ते का कटाव होता है, जो रास्ता डिस्कनेक्ट हो गया है पंचायत में, उस पर हम लोग बहुत यहाँ पे वाला काम वो हम लोग प्रशासन को बहुत जल्दी हम लोग उसको त्वरित कार्रवाई करते हैं। इसका जिन लोगों का घर से नदी कटाव की चपेट में आ चुका है उसका भी निश्चित कराया गया है, उनको भी उचित मुआवजा होता है। घरों का जो कटाव हुआ है।